तो फ्रेंड्स अभी अभी जो भाई बारिश हुआ है और मौसम कभी सुहाना है, तो यार इस मौसम में करते हैं कुछ नया। तो क्या आप यहाँ से बता सकते हैं वो जो मेरे पीछे पहाड़ी दिख रहा है वो कितने दूरी पर है, वो जो पेड़ दिख रहा है वो कितने दूरी पर है? नहीं बता सकते है ना। तो चलिए इसी चीज को आज हम बनाएंगे, एक डिवाइस बनाएंगे जिससे कि पता चल सके कि सभी चीज कितने दूरी पर है। हम वो डिवाइस है एक डिजिटल मीटर बनाएंगे हम आर्डिनो से और इस सेंसर की मदद से। इस सेंसर है अल्ट्रासोनिक सेंसर और इसी आर्डिनो के साथ जो है इस डिवाइस को बनाएंगे। ठीक है, ये डिवाइस जो है काफी सिंपल डिवाइस है, आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए इस डिवाइस को बनाते हैं। मीटर बनाने के लिए सिंपल सा कोई कुछ चीज़ें चाहिए जो कि है ये अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये आर्डिनो बोर्ड और चार वायर्स, बस इतना ही आपको चाहिए। और आपके पास डिस्प्ले नहीं है तो लैपटॉप से दिखा सकते हैं, और डिस्प्ले है तो डिस्प्ले से दिखा सकते हैं। फिलहाल मेरे पास डिस्प्ले नहीं है तो मैं लैपटॉप में जाके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इस अल्ट्रासोनिक सेंसर पर जो है चार पिन है। ठीक है, एक जो है VCC है, एक ट्रिगर पिन है, इको पिन है और जो है ग्राउंड पिन है। तो आपको चारों पिन में चार वायर्स को लगा देना है। ग्राउंड पिन में ग्राउंड, तो मैं चारों पिन में चारों वायर्स को लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने चारों पिन में चारों को लगा दिया है। ठीक है, आप जो है आर्डिनो पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस VCC पे 5 वोल्ट है और ग्राउंड है, तो 5 वोल्ट और ग्राउंड हम लोग VCC को जो है 5 वोल्ट में दे देंगे और ग्राउंड को जो है ग्राउंड पिन में दे देते हैं। अब बचा हमारे पास दो और वायर्स, मतलब कि ट्रिगर पिन और इको पिन। ठीक है, तो हम लोग जो है इको पिन को देंगे पिन नंबर 10 पे और ट्रिगर पिन को जो है हम लोग देंगे पिन नंबर 9 पे। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम जब भी इसको लैपटॉप में लगाएंगे डाटा केबल के जरिए, तो लैपटॉप में जो है डिस्टेंस शो करेगा, मतलब कोई भी चीज़ अगर इसके सामने हम लोग रखेंगे इस तरह से अगर कोई भी चीज़ हम लोग रखेंगे इसके सामने, तो वो बता देगा कि वो कितने दूरी पर वो चीज़ जो है रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से कोडिंग समझा देते हैं और इसको आपको दिखा देते हैं। चलिए चलते हैं लैपटॉप। तो चलिए डाटा केबल को अब जो है हम लोग लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं। इसको जो है हमने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया, यह देखिए ये ऑन हो चुका है। ठीक है, और अब जो है इस पर हम डिस्टेंस देख पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ले जाता हूँ और कोड को कैसे अपलोड करना है इस पर वो भी बताता हूँ, और कोड अपलोड करने के बाद अब जो है मॉनिटर पे वो देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कोड को जो है हम लोग अपडेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिगर पिन जो है 9, तो हम लोग ने ट्रिगर पिन को हमारा ये सेकंड नंबर वाला, मतलब कि येलो वायर जो है ट्रिगर पिन है, इसको हमने 9 पर लगा रखा है आर्डिनो बोर्ड के 9 पर। तो आप कोडिंग में भी देख सकते हैं इसको हमने डिफाइन किया है 9 से। ठीक है, इसी तरह इको पिन को जो है डिफाइन किया है 10 से, और वो इको पिन का वायर जो है 10 नंबर में लगा हुआ है। यहाँ पर बर्जर कनेक्टेड दिखाया गया है लेकिन बर्जर हमने कनेक्ट नहीं किया है। LED पिन जो 13 पिन नंबर है, वो 13 पिन नंबर आपको यहाँ पर LED जो है शो करेगा और यहाँ लगा ही रहता है। ये देखिए ये वाला। ठीक है, और ड्यूरेशन वगैरह जो भी देता है इसमें तो उसको दे दिया। ठीक है, उसके बाद जो है पिन मोड डिफाइन करना पड़ता है, हमें वॉइस सेटअप है तो पिन मोड जो है हमारा ट्रिगर पिन जो है वो आउटपुट में रहेगा, इको पिन जो है वो इनपुट में रहेगा। ठीक है, बार्जर हमने नहीं लगाया है और LED पिन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सीरियल बिगिन दीजिए तभी आपका जो है लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर वो डिस्टेंस जो है शो करेगा। ठीक है, तो ये कोड आपको लिखना नहीं होगा, मेरे डिस्क्रिप्शन से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस कोड को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद ये कोड जो है आप इस तरह से कंपाइल करके अपलोड कर लीजिए। अब जो है आर्डिनो में अपलोड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर शो करेगा। ठीक है,
तो इसका मतलब जो है कोड डन हो गया, मतलब कि हमारा जो कोड है वो इसमें इंस्टॉल हो गया। अब जो है इस पर हम डिस्टेंस ले सकते हैं। तो डिस्टेंस लेने के लिए सिंपली हमें सीरियल मॉनिटर को क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखिए इस पर डिस्टेंस आना जो है शुरू कर दिया है। अब ये जो सेंसर है, हम सेंसर के सामने जब भी किसी चीज़ को लाएंगे, जैसे कि ये वाला चीज़ हम इसके सामने लाएंगे, तो देख सकते हैं इसका डिस्टेंस दे रहा है कितना सेंटीमीटर में, ये बता रहा है ये चीज़ जो है कितना सेंटीमीटर में है। और बढ़िया से बताने के लिए हम इसको एक स्केल का यूज़ करते हैं आपको बताने के लिए बढ़िया से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इस स्केल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं इसमें 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर तक दाग दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग सिंपली इस सेंसर को रखते हैं 0 पर, सिंपली इसको 0 पर रखते हैं और इसको लेते हैं और इसके आगे रखते हैं, मतलब कि 15 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो देखते हैं सीरियल मॉनिटर में 15 दे रहा है कि नहीं, 16 दे रहा है, ठीक है। 16 दे रहा है, मतलब कि इधर हम थोड़ा बढ़ा कर रखे इसलिए 16 दे रहा है। ठीक है, अब देखिए 15 सेंटीमीटर ये दिखा रहा है। जब भी हम इसको चेंज करेंगे तो इस हिसाब से दिखाएंगे। देखिए हम इसे 10 पर रख रहे, तो ये जो है मॉनिटर पर देखिए 10 शो कर रहा है, देख सकते हैं 10 10 10 शो कर रहा है, ठीक है। जैसे ही हम इसको और घटाएंगे, देखिए 8 पर रख दिए, तो आपको देखिए सीरियल मॉनिटर पर 8 शो कर रहा है, ठीक है। अब 5 पर रखते हैं तो ये 5 शो कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप बिना किसी चीज़ के, मतलब कि बिना कोई फीता लगाए, कोई स्केल वगैरह लगाए, आप दूरी को नाप सकते हैं कि वो चीज़ कितने दूरी पर है, ठीक है। तो यार वीडियो को अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।